बसमिल्लाम असल मैं हूँ सभी काजमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक लाइव नाजीन बड़ी अहम खबरें हैं सबसे पहली बात जो है वो चालीस साल बाद अफगानिस्तान की तारीख में ये पहली हुकूमत है जो पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर रही है अहमद मसूद ने उन्नीस मिनट की ऑडियो टेप जारी की और इसमें उसने साफ साफ कहा कि अब हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गलतफहिया किस तरफ जा रही हैं हिंदुस्तानी मीडिया एक मरतबा फिर दुनिया के सामने बुरी तरह शर्मिंदा हो गया उसकी मैं आपको तफसील बताता हूं इससे पहले गुस्सा उन्हें इस बात का था कि पाकिस्तान के तीन जहाज और तीन पायलट जरा नाम सुने चौधरी अफरीदी और बाजवा जरा नाम सुन ये वादी पनशेर में उनकी शिकस्त का सबब बने ये तीन पायलट एक दिन पहले वहां पहुंचे अफगानिस्तान उन्हें उतारा गया और फिर उन्हें जहाज वादी जहाजेर में मलेशिया अहमद मसूद की जारियत के खिलाफ और उसे एक दिन में ख़त्म कर दिया अहमद शाह मसूद का जो बाप था अहमद मसूद उसने बाप का नाम डुबो दिया और वो कहता है पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है और मैं उसका उनको जवाब दूंगा और आप तालिबान के साथ हैं हमारी अब उनके साथ आपके साथ भी दुश्मनी पड़ गई ये उसके अल्फाज है और दूसरी तरफ जो आए हैं जहाज उन्हें पंच शेर में अब ये तीन जहाज कौन से थे जो तालिबान पर हम मारी गा रहे थे देखे ताजिकस्तान से उड़कर आने वाले अरब मीडिया के मुताबिक ये जहाज जिसमें अफगानी पायलट थे तालिबान को मारने के लिए आए या ताजिकिस्तान में जो मौजूद हिंदुस्तानी एयरबेस से वह पायलट थे यह अरब मीडिया इस वक्त तजबजब का शिकार है दो तरह की मतजाद खबरें आ गई तीन जहाज आते हैं ताजकिस्तान में आते हैं एक कहा जाता है पाकिस्तान के एक कहा जाता है हिंदुस्तान के सबूत में हिंदुस्तान दिखा देता है वीडियो गेम और वो क्लिप उठाता है उस वीडियो गेम का नाम आर्मा तीन ए आर एम ए तीन थ्री और उन्होंने क्या किया कि इसमें जो जहाज फिर उन्होंने अमरीकन एफ फिफ्टीन जंगी मशके का रहा था वहां से उठाया हुआ क्लिप दिखाया जिसे पूरी दुनिया में सहाफियों ने उनकी टका के बेजती की कि आपको शर्म आनी चाहिए आपका प्रोपेगेंडा पहले फ्लॉप हुआ पिछले साल अब फिर फ्लॉप हो गया पाकिस्तान ने इनके तमाम इल्ज़ाम को रद्द भी किया और कहा अफगानिस्तान पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं जबान मज़हबाफत और दीन जरूर मिलता है लेकिन हमारा थोड़ा बहुत किरदार है क्योंकि रेफ्यूजीज है हमारे मुल्क में महाजरीन है इस हद तक लेकिन इससे ज्यादा नहीं हिंदुस्तान की लेकिन चीखें जो है वो आप जरा सुने और जो पहली दफा नहीं है उनकी पहले आपको मैं कुछ बताता हूं ये इनकी जंगी जीतने की यादें या तो फिल्मों में या फिर इनके एंकरों के टीवी प्रोग्रामों में उछल उछल कर मुंह से झाग उड़ाते हुए आपको नजर आती असल मैदान में लड़ाई और होती है इन्हें आदत उस मैदान की है नहीं या चाहे वो मैदान हो लाहौर का हो लद्दाख का हो या पंजशेर का हो उन्नीस में भी ऐसे हुआ मैं आपको उसकी झलक एक अखबारी तराशे में मेरे साथ स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएगी क्या कहते थे लाहौर सारा खाली हो गया है लाहौर पर कब्जा हो गया है लाहौर के बाद सियालकोट भी खाली हो गया है और सबसे उस पर मजे की बात करते थे कि भारतीय फौज लाहौर क्रॉस करके कसूर से भी आगे निकल गई बंदा पूछे कि आपने जो नौजवान नस्ल है हमारी इन्होंने अगर 27 फरवरी 2019 को अपनी आंखों से ना देखा होता तो आज इनके प्रोपेगेंडे का शिकार कुछ बचे हो जाते आज भी देखें ट्विटर पर दुनिया इनका शिकार हो चुकी है लेकिन इनकी दूसरी गेम बहुत कामयाब हो रही है और उससे बड़ी खतरनाक बहुत खतरनाक गेम ये करने जा रहे हैं और वो है पाकिस्तान और ईरान को आमने सामने लाने की कोशिश शुरू हो गई है जिस पर हम लोग बात कह रहे थे कि उम्मत अब इकट्ठी हो रही है लेकिन यकीन जानिए कि मैं मौजूदा हुकूमत को दाद देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट खबर भी मैं आपको दे रहा हूं शाह महमूद कुरैशी ने वजारत के दिनों में वजारत खारजा के जो मुख्तफ दुनिया के गुजरा हैं उनसे अच्छे तल्लु बनाए दोस्ती किसी हद तक बन गई और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैं उसकी क्यों कह रहा हूं के पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अफगानिस्तान की वजह से मसला बनना था यह मसला लाजमी था मसला किस चीज़ का है तीन अरब डॉलर का तजारत का मसला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वसती एशियाई रियासतों तक तजारत होती थी वो तीन अरब डॉलर की ये सबका अफगान हुकूमत ने छेड़छाड़ की गलत पॉलिसियाँ थी करप्शन थी और गैर महफूज थी वह जगह जिस वजह से जो ताजर थे वह चमन और तुरखम का बॉर्डर इस्तेमाल करने से घबराने लगे उन्होंने क्या किया हरात की तरफ ईरान की तरफ तजारत का रुख मोड़ दिया उससे ईरान को तीन अरब डॉलर मिलना शुरू हो गया अब ईरान के जो जोशी हालात हैं दुनिया में तजारती पाबंदियां हैंशी पाबंदियां है, वो सब आप जानते हैं ऐसे में ये तीन अरब डॉलर ताजा हवा का झोंका था और दो साल तक उन्हें यह मिलता रहा दो साल तक वह आदि हो गए अब पाकिस्तान की तरफ ये दो साल तीन अरब डॉलर आ रहा है तो ईरान को बाज़ाह एक बहुत बड़ा मसला शुरू हो गया है कि तीन अरब डॉलर की तजारत उनके पास से निकलकर पाकिस्तान के पास जा रही है अब इन दोनों के तनाज़े की वजह फिर चार बहा बंदरगाह आपको याद होगी हिंदुस्तान ने माह किया था सी पैके वो भी ख़त्म हो गया था ईरान ने खत्म कर दिया था ईरान तो के जो फॉरन मिनिस्ट्री के तर्जमान ने यह बात की कि पाकिस्तान का पनशीर हमले में किरदार हम देख रहे हैं और मुकर ही सिर्फ अमन का अमली पहलू है और साथ ये भी कहा कोई लाल लकीर को अबूर ना करे और इंटरनेशनल मुआदों को याद रखें रूस ने भी कहा कि तमाम स्टेक होल्डर को अफगानिस्तान की हिस्सा दें आपकू में और यह भी कहा ईरान ने साथ बैरूनी मुदाखलत अफगान वाले बर्दाश्त नहीं करते कोई भी नहीं करता पाकिस्तान ने उसके जवाब में फौरन एक फोन कॉल की शाह महमूद कुरेशी ने और सारा मामला हल हो गया ईरानी तर्जमान को यह बात कहने से पहले वैसे सोचना चाहिए था कि माजी में आपको पता है ईरान पर हिंदुस्तान दोस्ती के इल्जाम लगते रहे जिस तरह हमारे पाकिस्तान पर इल्ज़ाम अरब दुनिया के साथ या अमरीका के साथ लगते थे कि हम सऊदी अरब के तसलत पे हैं उन पर लगता था ये हिंदुस्तान के तसलत में है तो ये दोनों अब इस तसलत से आज़ाद हैं इसीलिए जो अफगानिस्तान में नई हुकूमत बन रही है उसमें पाकिस्तान ईरान चीन तुर्की और रूस सिर्फ पाँच ममालिक नुमाइंदों को दावत देगी सिर्फ पाँच को आप खुद देख लें रूस इस हलफ बर्दारी की तकरीब में आता है यानी ये अभी उनके सफ़ी से उनकी अफगान डिप्टी जो है उनकी सियासी बातचीत हो रही है कि रूस उसमें आएगी क्योंकि रूस ने बड़ी अजीब बात कर दी क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत में आप दूसरों को भी हिस्सा दें ये बड़ी अजीब बात है दूसरी तरफ अमेरिका टोनी ब्लिंकन तो दोहा में इसका कतर जा पहुँचा है और ये कोशिश कर रहा है कि इस तरह डिस्टेब्लाइजेशन बात की जाए तालिबान की ये पहली हुकूमत जिसका पूरे मुल्क पर कंट्रोल वरना माजी में क्या होता था शोरश चलती थी पनशेर में अपना उन्होंने बनाया होता है डेढ़ फुट की इधर हर जगह पर तीन तीन हिस्से अफगानिस्तान के तीन हिस्से तीन मुख्तलिफ़ क़ायम करने का हुकूमत है ये मनसूबा नाकाम हो चुका है और यही मसला सबसे बड़ा था अब सिर्फ ये एक ही हुकूमत है और तालिबान ये ये कि जरूर करेंगे लेकिन आप दे। जुसा। अब जो है जो देखें, बीस बरस में रहने वाली वाला कोई बंदा उसमें शामिल नहीं होगा नई हुकूमत में मुतकी परेजगार और तालीम या तीन शर्तें जी और यह पाकिस्तान को सोचना चाहिए सिर्फ तीन शर्तें कि हमारी अपनी पार्लियामेंट भी ऐसे लोग हो हकूमत में ख़ीन को काफ़ी तादाद में लाया जा रहा है लेकिन ये नहीं बता रहे कि क्या वो बड़े मनसूबों पर भी फाइज होंगी या नहीं होंगी ये बातें वो सारी आहिस्ता आस्ता खोलेंगी शेर मोहम्मद अब्बास नगजई जो हैं उन्होंने बात की कि कि काबल एयर एयरपोर्ट को हम दो तीन दिन में मुकम्मल बहाल कर देंगे फुल पच्चीस से तीस मिलियन डॉलर का इस पर खर्चा आ रहा है और ये खर्चा सारे का सारा कतर और तुर्की का रहे ये बहुत बड़ी बेशराफ्त है देखें मुसलमान मुल्कों की तरफ से उन्होंने साथ ये भी बात की जो अच्छा अफगानी सकत एक मसला था जो मुल्क से बाहर जा सकेंगे कि नहीं तो उन्होंने कहा कि वो तमाम अफगानी जो बगैर दस्तावेजात के हैं वो तो नहीं जा सकेंगे दूसरी तरफ अमरीका भी जो पच्चीस सौ अफगानियों को वापस भेज रहा है जिनके पास दस्तावेजात मतलब पासपोर्ट नहीं है शिनाख्ती कार्ड वगैरह जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं है वो वापस भेज रहे हैं अब इस नई हुकूमत में जो नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं मुलाल उसका नाम आ गया उनके सामने सदर का वजी अजम का पूरा डिप्टी उनके दो नीचे नायब वो पूरा एक स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है तो ये सारी जो अभी इल्जाम दल इल्जाम प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट लेवल पर जाके प्रोपेगेंडा वार से जीते कोशिश करें आप ट्विटर पर देखें आप सोशल मीडिया पर देखें नीचे कॉमेंट्स लोगों के पढ़े किस तरह वो मसल की बहस को छेड़ने की मुसलमानों के दरमियान कोशिश कर रहे हैं किस तरह वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कशीदी क्रिएट करने की किस तरह वो अपना मनफी प्रोपेगेंडा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं पंजशीर में जो उनके साथ हुआ उनके मुंह पर लगी उन्हें लगा है पाकिस्तान ने मारी है बहरहाल ये अब आपको पता है कि अगली आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको तफ़ी से इस पर बात करेंगे कि तालिबान और ईरान के जो तल्लक हैं वो किस मोड़ पर आगे बढ़ सकते हैं ये बड़ा अहम टॉपिक है इसका डायरेक्ट उमत मुसलमा से ताल्लुक है मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएँ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करने साथ, साथ अगली वीडियो तक लिए मुझे इजाज़त दें अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफ